हेल्दी इंडियन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बनाएंगे सिंधी कोकी मीठी। ये बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसको आप अचार के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, छाछ के साथ खा सकते हैं, और जो घर की मलाई होती है उससे मक्खन निकलता है उसके साथ खा सकते हैं। चलो बनाते हैं मीठी कोकी। 1 कप गुड़ लेंगे, 1 कप शक्कर लेंगे और उसमें आधा कप पानी डालेंगे। अब इन चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम गरम करेंगे जैसे हमारा गुड़ और शक्कर गल जाए। ये हॉस्टल के लिए भी बना दे सकते हैं, ये बहुत दिन खराब नहीं होती, ये 1 हफ्ते तक खराब नहीं होती। तो थोड़ा ठंडा करेंगे, गरम से नहीं गूंदना है। अब हमारा पानी ठंडा हो गया, अब इससे आटा गूंद लेंगे। यहाँ मैं 4 कप आटे डाल रही हूँ, इससे 9-10 कोकियाँ बनेंगी। बड़ा चम्मच जीरा मैंने लिया है और ये इलायची को कूट रही हूँ। बड़ी और छोटी इलायची कूट के आटे में मिला लेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे आटे में। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम 1 कप तेल लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल डालकर अच्छे से आटे को गूंद लें। कोकी में ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये घर में सामान रहता ही है। अब जो घोल बनाया है उसको हम आटे में डालेंगे, हमने उसको ठंडा कर लिया था पहले ही। वे गुड़ और शक्कर के घोल को आटे में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से गूंदेंगे। अब इसको अच्छी तरह गूंद लें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें घोल डालूंगी मैं, उससे कोकी टूटेगी नहीं। जितना तेल बताया उतना ही डालना, क्योंकि टूट जाती हैं कोकियां। आप इसे सफर में ले जा सकते हैं, बहुत दिनों तक खराब नहीं होती। सब्जी रोटी तो एक दिन चलती है, लेकिन ये तो हफ्ता 10 दिन खराब ही नहीं होती। सफर में बस अचार और कोकी ले जाओ, और कुछ की जरूरत ही नहीं है। आटा गीला नहीं रखना है, थोड़ा सूखा रखना है। कि कभी घोल डाल के मैं अच्छी तरह आटे को गूंद रही हूँ, अगर थोड़ा बच जाए तो आप रख दें, पर सूखा गूंदे। आटे को गूंदने के बाद फिर हम उसकी लोइयां बनाएंगे। हमने ज्यादा बनाई है, मेरे को घर में रखनी थी, इसलिए मैंने 8 से 9 बनाई है। आपको अगर कम बनानी है तो आधे सामान में बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से लोइयां बनाएंगे कोकी की। अब मैं इसको बेल रही हूँ, हल्के हाथ से बेलें जैसे टूटे नहीं। हल्के हाथ से इसको शेप देंगे, हल्के हाथ से शेप दे रही हूँ जैसे टूटे नहीं। इससे कोकी बहुत सुंदर लगती है। सिंधियों में ये कोकी बहुत फेमस है। मेरा तवा गरम हो चुका है, अब इसमें मैं कोकी डालूंगी। तवे में तेल लगाकर फिर कोकी रखेंगे। आप नॉर्मल तवे पे कोकी को सेकें, डोसे वाले तवे पे नहीं बनाया, उसमें टूट जाती है। नॉर्मल तवे पे सही बनेगी। ये देखिए कोकी कितनी अच्छी सिकी हुई है। इसे पलटा के पकाएंगे, ऊपर से शुद्ध घी लगाएं या तेल लगाएं तो भी बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे ही सारी कोकियों को बना लें और शुद्ध घी लगाएं। ये मीठी सी रेसिपी आपको जरूर पसंद आने वाली है। ये आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। सफर में ले जाएंगे इसको तो बहुत दिनों तक ये खराब नहीं होती है। हॉस्टल के लिए बच्चों को भी दे सकते हैं। ये मीठी सी रेसिपी हेल्दी तो है ही, टेस्टी बहुत ज्यादा है। इसको आप किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया है आपको। ये एक सिंधियों की फेवरेट डिश है। इसको आप अचार के साथ और घर से मलाई से निकले हुए मक्खन के साथ, मठे के साथ, दही के साथ भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और ये सफर के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत ही कम सामान में बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है।